हेलो दोस्तों, सिलाई मशीन बनाने के लिए अभी हम देख रहे हैं कि सिलाई मशीन में जो है ये पार्ट जो है ये लूज हो गया है। तो इसको हम किस तरह से रिपेयर करेंगे, आप देख सकते हो इसमें ये पार्ट टूट गया है। इस पार्ट को हमको चेंज करना है, बदली करना है। तो हम किस तरह से बदली करेंगे और ये रॉड किस तरह से फिटिंग होंगी जो के बराबर से फिटिंग हो जाए और सिलाई बराबर आने लगे, इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम ये सुई को खोल देंगे। इसके बाद इस रॉड को बाहर निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमको इस स्क्रू को खोलना है। ये स्क्रू खोलने के बाद ये पार्ट निकल जाएगा जो टूट गया है पूरी तरह से। तो देखो ये पार्ट भी लगा दिए। उसके बाद में ये जूने वाले का भी आप इसमें बाद में मशीन में ये पार्ट लगाना है। हाँ हेलो दोस्तों, फिर इसके बाद में ये रॉड लगाना है। इसमें इस तरह से ये बैठ जाएगा और आपको अभी सुई लगाना है। इसके बाद दोस्तों इस तरह से इसमें सुई लगेगी। अब सुई को हमको कितने पर रखना है उसके लिए हम इसमें ऊपर से ये लगा देंगे ताकि सुई ज़्यादा ऊपर ना जाए और ये सुई को फिट कर लेंगे। अब उसके बाद में इसका जो ये भाग है इसको आपको नीचे लेना है, इस तरह से ये नीचे आ गया और सुई को आपको इस तरह से एक उंगली ऐसे नीचे रहना चाहिए और टच करना, उंगली पर टच करना है। दोस्तों इसका कोई मशीन में स्क्रू सामने से होता है, कोई स्क्रू पीछे से होता है। इसमें नीचे के साइड से स्क्रू है, इसको हम टाइट कर देंगे तो ये टाइट हो गई और इस तरह से ये आपकी मशीन रेडी हो जाती है। पर याद रहे कि सुई जो है वो इस तरह से आकर टच होना चाहिए इस उंगली पर, तो सुई जो है वो परफेक्ट बैठ गई। इस तरह से आपकी मशीन रेडी हो गई। दोस्तों आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाए और दोस्तों इस तरह से आपकी मशीन आप देख सकते हो कि नीडल रॉड जो है वो बराबर चल रहा है। आज की वीडियो में बस इतना।
तो फिर गाइस आज के स्टोरी कल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा गुड बाय।